जौनपुर में मोबाइल चोरी के आरोप में लाठी डंडों से पीटकर अधेड़ की हत्या। एक व्यक्ति पर कुछ लोगों ने मोबाइल चोरी करने का आरोप लगाते हुए उस पर लाठी और डंडों से हमला कर दिया। हमले के दौरान गुहार लगाने पर कोई बचाने नहीं आया। काफी देर तक लोगों ने जमकर मारपीट की, जिसकी वजह से संबंधित व्यक्ति की हालत इतनी बिगड़ गई कि बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस संबंधित आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। जौनपुर जिले में बदलापुर कोतावली क्षेत्र के दुर्गोली गांव में शुक्रवार की सुबह एक व्यक्ति पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाते हुए उस व्यक्ति की लाठी डंडे और लात घूंसों से पीटकर हत्या कर दी गई। दुदोली गांव निवासी 52 वर्षीय बिरजू खरवार तियरा गांव निवासी जीवधन विश्वकर्मा के यहां आई बारात में पानी भरने गया था। सुबह 6 बजे वापस वह घर आया था। यह कहकर पुनः वापस बारात में चला गया कि थोड़ी देर में विदाई लेकर आ रहा हूं। इसी बीच जैसे ही वह घर से 500 मीटर उत्तर एक बाग के पास पहुंचा था कि मोबाइल चोरी करने के आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। रागिरों ने इस घटना की सूचना जानकारी होने के बाद स्वजनों को दी। आनंद फानन में स्वजन वारदात स्थल पर पहुंचे तो वह बेहोशी की हालत में गंभीर रूप से जख्मी हालत में पड़ा मिला। इसके बाद तियरा बाजार स्थित एक चिकित्सक के पास उसे ले जाया गया तो चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौत की जानकारी होने के बाद घटना से स्वजनों में कोहराम मच गया। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक के पुत्र ने पुलिस को तहरीर दे दी है। वहीं पुलिस की ओर से प्रकरण की जांच पड़ताल की जा रही है। आज दिनांक 22/4/2022 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना बदलापुर अंतर्गत ग्राम दुगोली खुर्द में बिरजू खरवार पुत्र घोड़े खरवार की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत हो गई है। इस सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर जब जांच पड़ताल की गई तो ज्ञात हुआ कि बिरजू खरवार कल दिनांक 21/4/2022 को ग्राम तियरा में एक विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए गए थे, जहां पर पानी पीने को लेकर राधे यादव पुत्र नाथूराम यादव अन्य दो लोगों से विवाद हो गया था। आज दिनांक 22/4/2022 को समय 7:30 बजे पुनः उक्त के साथ मारपीट की घटना हुई, जिसमें बिरजू खरवार की मृत्यु हो गई। बिरजू खरवार के पुत्र के तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है तथा डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी भेज दिया गया है। लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए जौनपुर से इंद्रजीत सिंह मौर्य की रिपोर्ट।